हेलो इसके फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने अश्के शेफ किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं झींगी का पुलाव, जो खाने में बहुत टेस्टी होता है। झींगी का पुलाव बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे मैं भी आपको दिखाता हूँ। हमने इसमें 2 कप चावल ले लिया है और हमने इसमें 1.5 किलो ज्यादा झींगा ले लिया है, आप देख सकते हो। और हमने इसमें 4 प्याज लिया है, 3 हमने आलू ले लिया, उसे हमने इस तरीके से कट कर लिया है। हमने इसमें थोड़ी सी करी पत्ता ले ली है और हमने इसमें 3 टमाटर लिया है। इसमें हमने 7 हरी मिर्ची ले ली है। हमने 2 बड़ी चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले लिया है। हमें क्या करना है मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। अभी अभी हमने टमाटर को इस तरीके से कट कर लिया है और हमने प्याज को भी इस तरीके से कट कर लिया, आप देख सकते हो। मैं भी आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। अभी हमने गैस पे एक डेक्चा रख दिया, उसे हम लोगों ने अच्छे से गर्म कर लिया है। अभी इसमें हम लोग तेल ऐड कर लेंगे। इस तरीके से इसमें हम अच्छे से तेल ऐड कर लेंगे, आप देख सकते हो। अभी तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी इसमें हम लोग करी पत्ता भी ऐड कर लेंगे, आप देख सकते हो। अभी हम इसमें अच्छे से प्याज ऐड कर लेंगे, आप देख सकते हो। अभी हम प्याज को एकदम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे हमें अच्छे से मिक्स करते रहना है, आप देख सकते हो तरीके से। मिर्ची को हम इस तरीके से बीच में से कट कर लेंगे। इसी तरीके से हम सारी मिर्ची को कट कर लेंगे। अभी हम इसमें मिर्ची भी ऐड कर लेंगे। अभी हम इसमें खड़ा नमक ऐड कर लेंगे हमारे टेस्ट के हिसाब से, स्वाद अनुसार। आप इसमें बारीक नमक भी ऐड कर सकते हो। और इसे हम नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आप देख सकते हो। प्याज भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अभी इसमें हम लोग टमाटर भी ऐड कर लेंगे। और टमाटर ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से वापस मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। अभी हम इस टमाटर को अच्छे से गलने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही टमाटर गलेंगे उसके बाद का मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। आप देख सकते हो टमाटर भी अच्छे से गल चुका है। अभी इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे और इसे भी हम अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें हम 2 चम्मच जीरा पाउडर ऐड कर लेंगे, देख सकते हो। और इसे हम अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें हम झींगा भी ऐड कर लेंगे, आप देख सकते हो। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें अभी हम आलू भी ऐड कर लेंगे। अभी इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। हम पानी इसमें चावल के हिसाब से ऐड कर रहे हैं। और इसे हम अभी ऑफिस से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी हम उससे डायरेक्ट पकने के बाद मिलेंगे, उसके बाद हम इसमें चावल ऐड कर लेंगे, देख सकते हो। इसे भी अच्छे से जोश आ चुका है, अच्छे से पक चुका है। इसमें हम थोड़ी सी कोतम्बीर ऐड कर लेंगे। हमने उसे कोतम्बीर को अच्छे से कट कर लिया है, आप देख सकते हो। अभी हम इसमें चावल भी ऐड कर लेंगे। हमने चावल को अच्छे से धो लिया है और इसे भी हम अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आप देख सकते हो। अभी इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी हम आपसे डायरेक्ट ये पकने के बाद मिलेंगे। और आप इसका कलर देख सकते हो, माशाल्लाह कितना अच्छा दिख रहा है और उतना खाने में भी टेस्टी लगता है। ये देखिए झींगी का पुलाव पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। ये देखिए इसकी फैमिली, झींगी का पुलाव पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुका है। आप इसे घर में बनाइए, टेस्ट कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लगा। और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए बाय। आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप इसे घर में बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। जब तक के लिए बाय।